अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। मामला है ये पूरा और किस तरीके से आप कर रहे हैं? इधर राजकुमारी मंडोई राजाराम रायकवार आपका ये अधिकारी है, जिनके कार्यक्षेत्र पालगढ़ में जगह जगह मतलब इस स्कूल के पास में सार्वजनिक स्थानों पे दारू बेची जा रही है। तो मैंने इसकी सीएम हेल्पलाइन करी थी, तो उसका कोई निराकरण तो नहीं हुआ। मुझे ठेकेदारों द्वारा जान से मारने धमकी दी जा रही है। उनके गुंडे आते हैं और कहते हैं शहर में सारा ठेकेदारों का सिंडिकेट चल रहा है, जिसका मेन अध्यक्ष मंत्री चुने जाए। वो उसने कोरू में भी पीयूष नाम के बांधों को पिटवाया था, पुलिस ने क्या कर लिया, कानून ने क्या कर लिया, कुछ नहीं कर पाया। तुझे भी कहीं पिटवा देगा, मरवा के पिटवा देगा, किसी जूते केस में तेरे को फंसवा देगा, तो कुछ भी नहीं कर पाया। तेरी शिकायत है वापस ले ले। तो मैंने एसपी साहब को भी दो बार ज्ञापन दे चुका हूँ, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दे चुका हूँ, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं अब जनता के बीच में आया हूँ। तो मंत्री जी ने जगह यहाँ से दिन भर मतलब गाड़ियाँ भर भर के दारू सप्लाई होती है, उसकी भी मेरे पास वीडियो है, फुटेज है। मैंने पत्रकार को पहले भी दे चुका हूँ, पर कोई मीडिया में नहीं है और मीडिया का कोई इतना कोई सपोर्ट नहीं है, प्रशासन का कोई सपोर्ट है ही नहीं। क्योंकि अगर एसपी साहब और कलेक्टर साहब अगर कार्रवाई करना चाहते हैं तो अभी तक के हवाई इसलिए बंद हो जाते हैं। तो जिन्होंने मुझे जान से मारने के झूठे के तो फंसाने की धमकी दी रही है, कम से कम उनको कुछ कार्रवाई नहीं होकर उनसे कम से कम पूछताछ तो होती, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ कहाँ शिकायत की है आपने इसकी? मैंने सीएम हेल्पलाइन कर चुका हूँ तीनों बार मेरी सीएम हेल्पलाइन भी निरस्त हो चुकी है। इस तरह से देखा जाता है कि जो राजकुमारी मंडोई और राजाराम रायकवार है, इनकी पहुँच बहुत उच्च अधिकारियों से है, जो सीएम हेल्पलाइन का भी जो ये उल्लंघन कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, सीएम हेल्पलाइन तो कॉमन मैन हेल्पलाइन होती है, उसके अंदर फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल होती है। कहाँ तक आपकी हो गई? अब वो तो बस फोन लगाते हैं सीएम हेल्पलाइन पर कि आपकी कार्रवाई जारी है और बोलते हैं कि राजकुमारी मंडोई जो है जाकर कार्रवाई आ चुकी है। तो मैडम ये तो चल रहे हैं जो अवैध रूप से बनाना है, उसमें एक ठीक ऐसा है जो बिल्कुल हाई टेंशन के नीचे है, भविष्य में कभी वहाँ जान हानि हो सकती है। मतलब हाई टेंशन के नीचे तो निर्माण होते ही नहीं है, पर वहाँ पर मतलब बगैर परमिशन का ढाबा बनाया गया और वहाँ पर दारू बेची जा रही है हाई टेंशन के नीचे। अब क्या चाहते हैं आप? अब ये जनता के बीच में आए, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। प्रशासन जागता है कि जागता, सीएम के साथ जागते ही जागते, कलेक्टर साहब जागते ही जागते हैं। क्या नाम है आपका? मिथुन पिता तेजचंद सोलंकी।